राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है, उसमें किस विधि से ये कहानी सुनते हैं और इसमें क्या दान दिया जाता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपने मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा है तो यह नियम कुछ लोग साल भर तक निभाते हैं, कुछ लोग 6 महीने करते हैं, कुछ लोग 1.25 महीने करते हैं और कुछ लोग 7 दिन तक भी यह धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। अगर आपने पिछले साल से ही धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया है तो इस साल आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन में आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आज आपको बता रही हूँ। मुझे धर्मराज जी की तस्वीर नहीं मिली, अगर आपको धर्मराज जी की तस्वीर मिल जाए या और इसके अलावा चांदी की सिड्डी मिल जाए तो वो दोनों चीज़ें भी आपको इसमें रखनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें इसमें लगेगी। सबसे पहले तो इसमें तिल लगेगा, सफ़ेद तिल और काला तिल। तो मुझे सफ़ेद तिल मिले तो मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल रख रही हूँ, अगर आपको काले तिल मिल जाए तो आप काले तिल भी ज़रूर रखें। इसके अलावा तिल की गजक और इस तरह से तिल की ये पपड़ी लगेगी, इस तरह से एक परात लगेगी और ये गुड़ लगेगा, 5 बर्तन लगेंगे और बाजरी लगेगी, इस तरह से ये बाजरी लगेगी। ये सारी चीज़ें मंदिर में आपको दान में देना है, मंदिर में किसी पंडित या पंडितानी को दे सकते हैं। जूतियाँ लगेगी, एक छाता लगेगा, एक टॉर्च लगेगी और इस तरह से एक पैंट शर्ट लगेगी, शॉल, ऊनी कैप है, मोजे हैं और इसके ऊपर मैंने ये 100 रुपये रखे हैं। तो ये तो धर्मराज जी के नाम से ये सारे सामान हो गए, जिसमें ये जूतियाँ, टॉर्च, छाता। अगर आपको छड़ी मिल जाए तो आप छड़ी भी इसके अंदर रखें। मुझे छड़ी नहीं मिली इसलिए मैं नहीं रख पाई। और पोपा बाई के नाम से अगर आपने कहानी सुनी है तो पोपा बाई के नाम से भी ये 5 कपड़े लगेंगे और सुहाग की पिटारी लगेगी। सबसे पहले मैं आपको कपड़े दिखा दूं कि कैसे लेने हैं। तो इस तरह से आपको ये साड़ी लेनी है, पेटीकोट, ब्लाउज 100 रुपये और ये सुहाग की पिटारी। ये धर्मराज जी की कहानी के साथ ही ये पोपा बाई के नाम से मैंने ये सारे सामान रखे हैं, जिसमें सुहाग के सारे सामान हैं, जिसमें कांच, कंघा, साबुन, चूड़ा, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, बिंदिया, सब सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गई पोपा बाई के नाम से एक साड़ी और पूरा सुहाग का सामान, और ये सारे सामान धर्मराज जी के नाम से हैं। अगर आपने पिछले साल से आप कहानी सुन रहे हैं तो इस साल आपको ये सारे सामान धर्मराज जी के नाम से दान करने हैं, जिसमें ये बाजरी बहुत ज़रूरी है और ये गुड़ और तिल के सामान और सफ़ेद तिल। अगर आपको काले तिल मिल जाएँ तो वो और रखें। तो आपको इसमें एक तो काले तिल रखने हैं, एक आपको छड़ी रखनी है और आपको इसमें रखने हैं धर्मराज जी की और चित्रगुप्त जी की तस्वीर। अगर आपको मिल जाए तो वो और इसमें रखें। तो ये सारे सामान इस तरह से दान में दिए जाते हैं। अगर आप इस साल से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दिन तय कर सकते हैं। आप इसे 1 साल सुने, 6 महीने सुने, 3 महीने सुने, 1.25 महीने सुने, 15 दिन या 7 दिन। तो इस तरह से धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है, पोपा बाई की कहानी सुनी जाती है और ये सारे सामान उद्यापन में दिए जाते हैं। तो आज मैंने आपको ये पूरा वीडियो बना के दिखाया कि आपको क्या सामान धर्मराज जी की कहानी के सुनने पर उद्यापन में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी और आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।